Hi students, welcome to the channel. Today, in this video, we are going to cover the basic features of WAN network. As in the previous video, we have discussed the general introduction of this type of network, right? So, the full form of WAN is wide area network, right? And the geographical area of WAN is greater than its geographical area is greater than LAN and मैन नेटवर्क ओके सबसे कम जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो होता है लैंड नेटवर्क्स का एंड उसके बाद मैन नेटवर्क्स का जियोग्राफिकल एरिया होता है एंड सबसे ज़्यादा होता है वैन नेटवर्क्स का राइट right? जियोग्राफिकल एरिया का यहाँ पे मतलब है कि कितना ज़्यादा एरिया हम लोग इस नेटवर्क के थ्रू कवर कर सकते हैं जैसे कि लैन के केस में क्या होता है एक बिल्डिंग होती है चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग है स्कूल बिल्डिंग है जो भी है ठीक है एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं लैन के थ्रू ओके इसी तरह से दूसरी लैन है इसके अंदर भी जितने कंप्यूटर्स हैं हम लोग उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं वैसे ही इन दोनों लैंड को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो हमारे पास मैन नेटवर्क बन नेटवर्क बन जाता है राइट तो इसका मतलब ये है कि जो लैन है उसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत कम है लैंड का बहुत कम है राइट मैन का जियोग्राफिकल एरिया जो है लैंड के कंपैरिज़न में ज़्यादा है मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लैंड्स, राइट तो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया वैन का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है ओके वैन इंक्लूड द टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसमिट डेटा विद द हेल्प ऑफ वैन वी कैन ट्रांसमिट वी कैन ट्रांसमिट डेटा ईमेज ईमेज ऑडियो वीडियो ऑडियो video information information over long distance over long distance and among different lands different lands and man's okay sorry मैंस ओके सो इसका मतलब ये है कि वैन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को इन्फॉर्मेशन को या किसी भी टाइप की वीडियोज को शेयर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ डिफरेंट लैंड एंड मैनज ओके सो आप लोगों को बेसिक थिंग जो है वो याद रखनी है कि डिफरेंट लैन के कॉम्बिनेशन से मैन बनता है उसी तरह से मान लीजिए ये हमारे पास एक और लैन है ये भी लैन है ओके okay. हम इन दोनों लैंस को अगर कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक और मैन सिस्टम बन जाता है राइट right? सो so, इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं इन सभी मैंस को भी कनेक्ट कर लेते हैं अगर इन सभी मैंस को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सा नेटवर्क बन जाएगा तो हमारे पास वैन नेटवर्क बन जाएगा ठीक है आई होप यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसी तरह से क्या होता है वैन का जो जियोग्राफिकल एरिया है होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि लैन में मान लीजिए दस सिस्टम्स हैं यहाँ पे भी दस सिस्टम्स हैं तो मैन में कितने हो जाएंगे ट्वेंटी सिस्टम्स हो जाएंगे वैसे ही इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट मैनस कनेक्ट करते जाएंगे उन्हें ऐड करते जाएंगे तो वैन का जो है जियोग्राफिकल एरिया बढ़ता जाएगा ठीक है सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट फीचर ऑफ वैन दैट इज इट्स लार्ज कैपेसिटी ओके ये है पहला फीचर लार्ज कैपेसिटी कि वैन में ज़्यादा कैपेसिटी होती है टू हैंडल अ नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम्स इफ़ वी कंपेयर इट विथ लैन और वैन ठीक है लैन और मैन से अगर कंपेयर करेंगे तो वैन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ज़्यादा कंप्यूटर्स को ये हैंडल कर सकता है एंड ज़्यादा कंप्यूटर्स को ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से सेकेंड फीचर ऑफ लैन इज़ इट्स शेयरिंग शेयरिंग फैसिलिटी ओके विद द हेल्प ऑफ वैन सिस्टम वी कैन शेयर एनी टाइप ऑफ डेटा ऑडियो वीडियो फाइल्स ठीक है बट यहाँ पे क्या होता है लैन में भी तो हम लोग शेयर कर सकते हैं बट लैन में जो एक बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर से सिर्फ उन्हीं के बीच में डेटा शेयर हो सकता है मैन में दो लैंड के बीच में ही डेटा शेयर हो सकता है बट इन केस ऑफ वैन हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी शेयर कर सकते हैं डेटा को जैसे कि हम लोग आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं राइट तो मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ एंड मेरा कोई और फ्रेंड वो दूसरी किसी कंट्री में है राइट right? सो so, क्या होता है यहाँ से हम लोग मैसेज कर सकते हैं एक मिनट के अंदर अंदर मैसेज किसी भी कंट्री में पहुँच सकता है ये सब इंटरनेट की हेल्प से होता है ये सब सिर्फ वैन की हेल्प से होता है राइट right? जनरली हम लोग जो कुछ भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी बहुत दूर हैं जो हमसे ठीक है तो वो सब कुछ वैन की हेल्प से ही पॉसिबल है तो शेयरिंग फैसिलिटी मीन्स वी कैन शेयर एनी टाइप ऑफ फाइल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस राइट नेक्स्ट फीचर इज इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड अप लिंक्स ओके okay, यहाँ पे अपलिंक्स का मतलब है कि वैन की हेल्प से ही हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंट लैंड को कनेक्ट कर सकते हैं जिसके हेल्प से हमें मैन मिल जाएगा एंड डिफरेंट मैंस को कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट मैनस को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वैन क्रिएट हो जाएगा ओके सो दे प्रोवाइड अपलिंक्स फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट लैंड एंड विद टू द इंटरनेट ठीक है जो भी लैन और मैन को अगर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है तो वो वैन की हेल्प से होगा जैसे कि हम लोग अपने मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एक इंस्टीट्यूट है या कोई भी यूनिवर्सिटी है वहां पे क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं राइट मान लीजिए ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट है ठीक है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अपना एक अलग लैन होगा मेडिकल डिपार्टमेंट का भी अपना एक लैन होगा राइट बट ये पूरी यूनिवर्सिटी है ठीक है तो पूरी यूनिवर्सिटी में इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे उनके अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे तो अगर सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्शन के हम लोगों को कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो हम लैन यूज़ करेंगे वैसे ही मेडिकल में जो भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें कनेक्ट करना है तो हम लोग दूसरा लैन यूज़ करेंगे लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटो यूनिवर्सिटी तो एक ही पार्ट है ना तो अगर हमें उस पूरी यूनिवर्सिटी को ही लिंक करना है पूरी यूनिवर्सिटी को ही नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है तो हम लोग इन सभी लैंस को कनेक्ट करके मैन बना सकते हैं तो मान लीजिए कि ये एक यूनिवर्सिटी है एंड उस यूनिवर्सिटी का जो है ये एक ब्लॉक है ठीक है ये एक ब्लॉक बन गया वैसे ही दूसरी तरफ भी उसी यूनिवर्सिटी का ये दूसरा ब्लॉक है अब कहीं ना कहीं हमें इन दोनों ब्लॉक्स को भी तो कनेक्ट करना ही होगा ना अगर यूनिवर्सिटी एक ही यूनिट है तो हमें उन्हें लिंक करना ही होगा तो हम वैसे ही उन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्कस को कनेक्ट करते जाएंगे एंड वहाँ पे अब यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों को इंटरनेट भी एक्सेस करना ही होता है तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसे वैन नेटवर्क में क्रिएट कर देंगे जिसकी हेल्प से इजीली हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं राइट तो यही मतलब है प्रोवाइड अपलिंक्स का ओके नेक्स्ट फीचर इज दे हैव लो डेटा रेट दे हैव लो डेटा Rate okay. Communication links are provided in case of van, are generally provided by public carriers. These are provided by public carriers like telephone network, like telephone network and cable systems, cable systems or by satellites. एक्सेट्रा ओके सो यहाँ पे क्या होता है अगर हम लोग सैटेलाइट की हेल्प से वैन यूज़ कर रहे हैं मतलब किसी भी तरह से वैन को यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं राइट सो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे उतनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना लो डेटा रेट मिलेगा हम लोगों को ठीक है so, तो यहाँ पर क्या होता है जनरली दे हैव लो डेटा ट्रांसफर रेट एंड हाई प्रोपिगेशन डीले जितना ज़्यादा जितना कम डेटा रेट होगा उतना ही हाई क्या होगा प्रोपिगेशन डीले होगा प्रोपिगेशन डीले उतना ही ज़्यादा होगा एंड इसका मतलब ये है कि दे हैव लो कम्युनिकेशन स्पीड ओके दैट मीन्स दे हैव लो कम्युनिकेशन स्पीड कम्युनिकेशन स्पीड का वही मतलब है कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा वैसे हम लोग देखते हैं ना कई बार कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पोर्टल है या प्राइवेट पोर्टल कोई भी एक पोर्टल है वहाँ पे कोई ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है ठीक है ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है एंड उसका मान लीजिए कि आज लास्ट डे है तो क्या होता है उस दिन वो फॉर्म को उस दिन वो पोर्टल को ओपन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना उस दिन मुश्किल क्यों होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं लास्ट दिन फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पर दौड़ते हैं ठीक है तो जितने ज़्यादा ट्रैफिक होगी एक ही पोर्टल पे जितने ज़्यादा लोग लॉगिन करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी स्पीड कम हो जाएगी उतना ही ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन स्पीड कम होती जाएगी ठीक है तो या फिर हम उसे बोल सकते हैं जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उसका डेटा रेट बढ़ता जाएगा या सॉरी उतना ही उसका डेटा रेट कम होता जाएगा ठीक है so, सो यहाँ पे यही मतलब है इसका ठीक है एंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो पब्लिक कैरियर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं हम वैन में जैसे कि टेलीफोन लाइन है नेटवर्क केबल्स हैं नेटवर्क केबल्स का यहाँ पे ये यह मतलब है कि जैसे कि हम लोगों ने मैन में डिस्कस किया था कि जैसे मैन यूज़ होता है एक सिटी के कनेक्शन के लिए एंड सिटी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है केबल टी ऑपरेटर ठीक है केबल टीवी ऑपरेटर्स क्या करते हैं पूरी सिटी में प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है वो एक एक बिल्डिंग करके वो क्या करते हैं एक एक बिल्डिंग करके सबको कनेक्ट करते चलेंगे और इसी तरह से क्या हो जाएगा कुछ टाइम में पूरी सिटी एक ही सेक्शन में ऐड हो जाएगी ठीक है तो ये है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैन नेटवर्क सो so, वैसे ही यहाँ पे वैन में होता है डिफरेंट डिफरेंट इनको कनेक्ट करते जाएंगे मैंस को कनेक्ट करते जाएंगे एंड वैन बन जाएगा तो देख लीजिए यहाँ पे खुद ही कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं कुछ भी तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा उतना काम हमारा स्लो होता जाएगा ठीक है नेक्स्ट फीचर इज दे जनरली हैव हायर बिट एरर रेट हायर बिट एरर रेट ओके okay. फिर से वही बात है कि जितने ज़्यादा नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी उतने ज़्यादा एरर रेट्स बढ़ते जाएंगे अगर बहुत से लोग वही है फिर से कि बहुत से लोग अगर सेम पोर्टल पे एक साथ लॉग इन करते हैं तो स्पीड कम हो जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर वहाँ पर आकर हो सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ वैन नेटवर्क आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू